राहुल गांधी की सिक्योरिटी में लगे पुलिस वाले क्यों हुए अचानक गायब? कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में चल रही है। यात्रा शुक्रवार दोपहर जम्मू संभाग से बनिहाल की तरफ आगे बढ़ गई। शुक्रवार को कांग्रेस की यात्रा में भारी भीड़ के बाद असमंजस की स्थिति बन गई, जिसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही यात्रा कुछ देर के लिए रुक गई। हालांकि थोड़ी देर बाद कांग्रेस की यात्रा बगैर राहुल गांधी श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ गई। शुक्रवार को बनिहाल से आगे बढ़ने पर यात्रा में क्या हुआ, इस बारे में दोपहर में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। अनंतनाग में कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस की तरफ से किए गए इंतजाम पूरी तरह से चरमरा गए। इस दौरान भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिसकर्मी कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। और राहुल गांधी ने आगे क्या बताया अपनी सिक्योरिटी को लेकर? आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू।